हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सॉरी गाइस, इस वीडियो को आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो हीरो काला की स्टोरी में अब तक आपने देखा कि जब गैलेक्टस प्लैनेट सकार को तबाह करता है तो गैलेक्टस के अंदर ओल्ड पावर भी चली जाती है, जिससे गैलेक्टस ओल्ड पावर के लिए काफी भूखा हो चुका है। वो पूरे यूनिवर्स में घूम घूम कर ओल्ड पावर वाले प्लैनेट्स को खा रहा है। हीरो काला, जो कि पहले प्लैनेट सकार पे रहता था, वो अपने कुछ साथियों को लेकर प्लैनेट गोसर पे आ चुका है, एक ऐसा प्लैनेट जिसके अंदर अब भी ओल्ड पावर है। जल्दी हीरो काला प्लैनेट गोसर के 3 शहरों में से एक फ्रैक्टर शहर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन हीरो काला के सारे साथी उसके साथ नहीं हैं। प्रिंसेस ओमाका और ओल्ड सैम उस प्लैनेट के बाकी 2 शहरों के साथ हाथ मिला लेते हैं और ये सब मिलकर फ्रैक्टर शहर के ऊपर हमला कर देते हैं। फ्रैक्टर शहर की दीवारें, एक्समैन वो यहाँ के लोगों को दुश्मन के साथ डटकर मुकाबला करने के लिए कहता है, जिसपे कुछ सैनिक बोलते हैं कि हम उनके ऊपर ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि ये धरती लगातार हिल रही है। एक्समैन वो बोलता है, मैंने तुमको ये नहीं कहा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, तुम्हें उनके ऊपर निशाना लगाना ही होगा वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तभी ऊपर से कुछ प्लेन्स आते हैं और उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक्समैन बॉन बड़ी मुश्किल से बचता है और खड़ा होने के बाद मरे हुए सैनिकों से बोलता है, तुम ये क्या खेल खेल रहे हो, मैंने तुम्हें मरने की परमिशन नहीं दी है। उधर मठ के अंदर एक प्रीस्ट बोलता है, मुझे डर है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये वर्ल्ड चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे शहर के फोर्स फील्ड डिसेबल हो चुके हैं, पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है, अगर दुश्मन बाहरी दीवारों से अंदर आ जाता है तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। जिसपे दूसरा प्रिस्ट बोलता है, ये दीवारें तो हमें हीरो काला से भी नहीं बचा पाई थी। पहला प्रिस्ट बोलता है, ध्यान से अपनी जबान निकालो और अच्छा ये होगा कि अगर तुम ये बात अपने दिमाग में ही रखो। दूसरा प्रिस्ट बोलता है, और अच्छा ही होता कि अगर हीरो काला हमारे शहर में नहीं आया होता। पहला प्रिस्ट पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं या फिर हम सब क्या ही करें। दूसरा प्रिस्ट बोलता है, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हीरो काला हम सबको तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। अगर वो टेराफोर्थ और डूड शहर की आर्मीज को नहीं रोक सकता तब ये पागल खामखा अपने आप को एक भगवान बुलाता है। जिसपे पहला प्रिस्ट बोलता है, शायद हीरो काला वही है जो अपने आप को कहता है, जो कोई भी इस प्लेनेट के ऊपर राज करना चाहता है उसे बहुत पागल होना पड़ता है। उधर एक सैनिक एक्समैन बोन से बोलता है, दुश्मन की सेना दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और किसी ने हमारे एनर्जी फील्ड को भी डिसेबल कर दिया है। एक्समैन बोन बोलता है, तब तो हम उनके साथ हाथों से लड़ेंगे। सैनिक पूछता है, एक पूरी आर्मी के साथ? हम बस 50 लोग बचे हैं जो उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। एक्समैन बोन कहता है, मुझे तो कोई आर्मी नहीं दिखाई दे रही, मुझे तो बस कुछ घुसपैठिए दिखाई दे रहे हैं जिनको अभी एक सबक मिलने वाला है। तभी पास की एक गन दुश्मन की सेना के ऊपर गिर जाती है। एक्समैन बोन कहता है, शांत जाओ सोल्जर, अब या तो तुम्हें गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देगी या फिर इस प्लेनेट के टूटने की या फिर तुम्हारे घुटनों के मटकने की। हम देख रहे हैं कि दुश्मन की सेना बड़ी तेजी से दीवार तोड़कर अंदर घुस आई है। प्रिंसेस ओमाका ओल्ड सैम से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं? ओल्ड सैम बोलता है, मैंने कब कहा कि हम सही कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे पास यही चॉइस है। देखो, हीरो काला ने ओल्ड पावर स्ट्रीम के साथ क्या कर दिया है, ये पूरा प्लेनेट अनस्टेबल हो रहा है। हम इस प्लेनेट के ऊपर एक बीमारी लेकर आए हैं, फ्रैक्टर शहर इस प्लैनेट के ऊपर एक बीमारी बन चुका है, अगर हम इस बीमारी को दूर नहीं करते हैं तो यह पूरा प्लैनेट मर जाएगा। प्रिंसेस ओमाका बोलती है, लेकिन ओल्सैम बहुत लोग मारे जा रहे हैं। ओल्सैम कहता है, अगर ये लड़ाई चलती रही तो और भी लोग मारे जाएंगे। इस प्लैनेट के बहुत सारे हथियार ओल्ड पावर से चलते हैं जो कि इस प्लैनेट की क्रस्ट के नीचे दबी हुई है और इसीलिए यहाँ पे सदियों से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ के पहले के टाइम के लोग जानते थे कि अगर इस प्लैनेट पे एक और लड़ाई हुई तो ये इस प्लैनेट की आखिरी लड़ाई होगी। वो जानते थे कि ओल्ड पावर आर्टिफिशियल है और अनस्टेबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हीरो काला ये बात जानता है, और अगर वो जानता भी है तो वो सुनेगा नहीं। इससे पहले कि हीरो काला गोसर को तबाह करता है, हमें हीरो काला को डिस्ट्रॉय करना होगा। प्रिंसेस ओमाका पूछती है, अगर हीरो काला को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो? ओल्सैम बोलता है, अगर वो सच में एक भगवान है तो वो पहले से ही हमारे प्लान के बारे में जानता है। हम देखते हैं कि हीरो काला इस शहर के स्ट्रक्चर्स को टूटता हुआ देख रहा है, इस शहर के लोगों को मरता हुआ देख रहा है, सामने चल रही लड़ाई को देख रहा है और एक्समैन बॉन की बेटी लीला का हाथ पकड़ कर खड़ा है। वहीं नीचे एक आदमी हीरो काला की मूर्ति को देखकर कह रहा है, ओ हीरो काला,
आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। वहीं फ्रैक्टर शहर के लोग भी हीरो काला से उम्मीद छोड़ चुके हैं और मठ के अंदर बैरोस कह रहा है, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम लोगों से कहा कि हीरो काला एक भगवान है। और फिर प्लैनेट सकार के लोग भी यही कह रहे हैं, शायद हीरो काला साकार सन नहीं है, शायद अंदर से वो एक दानव है और हमेशा ही एक दानव रहा था। लेकिन अब भी कुछ लोग हीरो काला के सामने प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। ओ लॉर्ड हीरो काला, हमारी प्रार्थना सुनो, हम ओल्ड पावर को पुकारते हैं ताकि वो हमें इस खतरे से बचा सके। दुश्मन की सेना बड़ी आसानी से गोशर शहर के ऊपर कंट्रोल कर लेती है क्योंकि गोशर शहर के फोर्स फील्ड डिसेबल हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये पूरा प्लैनेट हिलने भी लगा है। एक दुश्मन सैनिक जनरल न्यूज से पूछता है, हमारे और फ्रैक्टर शहर के बीच प्लैनेट हिल रहा है, क्या हमें हिलना बंद होने तक का वेट करना चाहिए। जनरल बोलता है, अब हम अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें तो बहुत पहले इनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए था। गोशर शहर के ऊपर अटैक करना जारी रखो और प्लेन्स को पहले ही बॉम्ब बरसाने के लिए कहो। लेकिन तभी एक सैनिक जनरल न्यूज का ध्यान किसी तरफ खींचता है। गोशर शहर की ओल्ड पावर जो कि पहले सफेद रंग की थी अब लाल हो चुकी है। वो जमीन की परतों को फाड़कर बाहर आ रही है। एक्समैन बोन हीरो काला के पास आकर बोलता है, मैं हार चुका हूँ, दुश्मन की सेना ने 12 जगह से दीवार को तोड़ दिया है, वो बहुत बड़ी संख्या में अंदर आ रहे हैं, मेरे आधे लोग मारे जा चुके हैं और आधों की टांगें टूट चुकी हैं। फ्रैक्टर शहर के लोग तो बहुत ही कमजोर हैं, इनको बलि के बकरे की तरह भी यूज नहीं किया जा सकता। तब एक बारबेरियन एक्समैन बोन से बोलता है, तुम उसको धोखेबाज के बारे में क्यों नहीं बताते, तुम हीरो काला को क्यों नहीं बताते कि किसी ने हमारी फोर्स फील्ड को डिसेबल कर दिया है। जिसपे एक्समैन बोन उस बारबेरियन को चुप रहने के लिए कहता है। तब हीरो काला उन दोनों को शांत करवाता है और बोलता है, मैं पहले ही फोर्स फील्ड के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद उनको डिसेबल किया था। एक्समैन बोन, मैं तुम्हें एक वरदान दे रहा हूँ क्योंकि तुम इकलौते ने अपनी ईमानदारी साबित की है। यहाँ पे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा जिसे तुम नहीं समझ सकते। और बाकी तुम लोगों में से कौन एक्समैन बोन की तरह मेरे ऊपर यकीन करता है, मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, जो कोई भी अब भी मेरे ऊपर यकीन करता है उसको एक दिन बचा लिया जाएगा। फिर भी तुम लोग अपनी आंखों के ऊपर यकीन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिल कह रहा है कि हीरो काला ही तुमको बचाएगा। तब एक प्रिस्ट दूसरे प्रिस्ट से बोलता है, हम हीरो काला के बारे में सही कह रहे थे, मैं उसकी आंखों में देखकर बोल सकता हूँ कि वो ओल्ड पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब हीरो काला पास खड़े एक बारबेरियन को मारते हुए बोलता है, जिस ओल्ड पावर को तुम बुला रहे हो वो बीमार और बदल चुकी है और ये काफी पहले से ही ऐसी है। जिस चीज की तुम पूजा करते हो वो जहरीली है और अब तो इसके अंदर और भी जहर घुल रहा है। मैं बस ओल्ड पावर को उस डायरेक्शन की तरफ और तेजी से लेकर जा रहा हूँ जहाँ ये पहले से ही जा रही थी। जो भी कुछ मैं इस टाइम कर रहा हूँ मैं टाइम आने पर वर्दी लोगों को जरूर बताऊंगा। उधर प्रिंसेस जमाका जनरल न्यूज से कह रही है, हम इस बात के लिए तो राजी नहीं हुए थे, शायद तुम्हें समझ नहीं आया कि हमने तुमसे क्या कहा था, तुम लोग इस प्लैनेट को तोड़ रहे हो। जनरल न्यूज बोलता है, हमारा एग्रीमेंट तब अच्छे से काम करता जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता और तुम अपना मुंह कम खोलती, अब हमें वो मिल चुका है जो हमें चाहिए, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब अगर तुम मेरी रिस्पेक्ट किए बिना एक भी शब्द बोलती हो तो तुम अपने आप को भी मरा हुआ समझ लेना। लेकिन प्रिंसेस उमा का बोलती है, क्या तुम अंधे हो, ओल्ड पावर करप्ट हो रही है, तुम लोग इसे ओवरलोड कर रहे हो, जिस ओल्ड पावर को तुम हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तुम उसी को तबाह कर रहे हो। तब जर्नल न्यूज इन दोनों को अरेस्ट करने के लिए बोलता है। प्रिंसेस उमा का बोलती है, आखिर तुम तीन टांगों वाले समझते क्यों नहीं हो। जर्नल न्यूज बोलता है, तुम दो टांगों वाली, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब जब तुमने फ्रैक्टर शहर की फोर्स फील्ड को डिसेबल कर दिया है तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। जिसपे प्रिंसेस उमा का पूछती है, मैंने फोर्स फील्ड को डिसेबल किया है, मैं तो ये भी नहीं जानते कि उसको डिसेबल कैसे करते हैं, शायद ये हीरो काला ने किया होगा, वो तुम लोगों को फंसा रहा है। लेकिन तभी ओल्ड सैम के सिर के अंदर से ओल्ड पावर बाहर निकलने लगती है। वो बोलता है, न्यूज मेरी बात सुनो, हम लोगों ने फोर्स फील्ड को डिसेबल नहीं किया है, मैं जान चुका हूँ कि हीरो काला क्या करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। प्रिंसेस पूछती है, ओल्ड सैम तुम्हारे सिर के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारा सिर टूटने लग रहा है। ओल्ड सैम बोलता है, नहीं हीरो काला तुम कमीने, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। और इससे पहले कि ओल्ड सैम जर्नल न्यूज को हीरो काला के प्लान के बारे में बता पाता उसका सिर फट जाता है। लीला पूछती है, माय लॉर्ड हीरो काला क्या कुछ हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है। हीरो काला बोलता है, लीला सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था। अब तक दुश्मन सेना के लोग उस मठ तक पहुंच चुके हैं जहां पे हीरो काला मौजूद है। दुश्मन की सेना इस मठ की सुरक्षा में लगे सैनिकों के ऊपर अटैक कर देती है। इसी बीच हमें दो सैनिकों की बातें
सुनाई देती है। ग्रैमोस बोलता है, एड्रोल तुम घायल हो। एड्रोल बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है ग्रैमोस, मैं ठीक हूँ। ग्रैमोस बोलता है, नहीं तुम ठीक नहीं हो, मुझे देखने दो। एड्रोल बोलता है, मुझे लड़ने दो। मेरे भाई आखिर ये सब कैसे हो गया? हमने 3000 सालों तक इन दीवारों की पहरेदारी की है और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर इन दीवारों को 2 बार टूटते हुए देखा और तभी एड्रोल मर जाता है। मठ के लोग देखते हैं कि दुश्मन की सेना हीरो काला से बात करने के लिए कुछ लोगों को भेजती है, जिसपे मठ के लोग हीरो काला को दुश्मन के लोगों से मिलने के लिए कहते हैं। ये लोग प्रिंसेस उमाका को अपने साथ लेकर आए हैं और हीरो काला से बोलते हैं, शायद ये लड़की तुम्हारी है, हमारी रानी ने कहा है कि इसको तुमको सौंप दूं। हमारी रानी तुमको नुकसान पहुंचाए बिना तुम्हें इस प्लैनेट को छोड़ने देगी अगर तुम बिना कुछ गड़बड़ किए फ्रैक्टर शहर को हमको सौंप देते हो, और हम तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम वो कर पाए जो हम 3000 सालों से करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हीरो काला कुछ नहीं बोलता। ये देखकर दुश्मन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, बोल कुत्ते। तब हीरो काला वहां से जाते हुए बोलता है, अपनी रानी से बोलना कि मुझे तुम्हारा ये ऑफर पसंद नहीं है। दुश्मन के लोग बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? क्या तुम जानते हो कि हमारी गटर कैनन कितनी तबाही मचा सकती हैं? जिसपे प्रिश दुश्मन के लोगों को ऐसा ना करने के लिए कहता है और हीरो काला को शांत रहने के लिए बोलता है। लेकिन हीरो काला अपनी पावर से उन सबके सिर फोड़ देता है। जनरल न्यूज ये सब देख रहा होता है और बोलता है, उसने उन सबको मार डाला, अपनी खुद की औरत को भी। गटर कैनन्स को चालू करो, और अगर हीरो काला सच में ये एक भगवान है तो भगवान हमारी आत्माओं को शांति दे। अब जनरल न्यूज गटर कैनन को पूरी ताकत से चलाने के लिए बोलता है। उधर हीरो काला एक्समैन बोन से बोलता है, एक्समैन बोन, लीला और अपने कुछ सबसे ईमानदार लोगों को ले जाओ और स्टोन शिप को तैयार करो। ये सब अभी करो और मुझसे कुछ मत पूछना। उधर दुश्मन गटर कैनन को फायर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उनकी गटर कैनन ओवरलोड हो रही है। उनके सारे के सारे सिस्टम ओवरलोड हो रहे हैं। अर्थ की एनर्जी ठीक तरीके से उनके हथियारों में नहीं पहुंच पा रही। वहां एक बहुत जोर की आवाज होती है और उनकी गटर कैनन फट जाती है। प्लैनेट के अंदर से ओल्ड पावर बाहर निकलने लगती है। जमीन की परतें फटने लगती हैं। लोग अब भी हीरो काला के ऊपर आस लगाए बैठे हैं। एक्समैन बोन लीला को सुरक्षित करने में लगा हुआ है जबकि हीरो काला आसमान की तरफ देख रहा है। आसमान से बारिश होने लगी है। हीरो काला छज्जे के ऊपर ऐसे खड़ा है जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। पूरे प्लैनेट से ओल्ड पावर फूट फूट कर बाहर आने लगती है। इतने में ही गैलेक्टस भूखे नंगों की तरह उस प्लैनेट के पास पहुंच चुका है, जिसे देखकर हीरो काला बोलता है, ओ प्लैनेट्स को खाने वाले, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे नए हेराल्ड के तौर पे ये मेरा तुम्हारे लिए एक तोहफा है।